किरण पांडे स्टोर में सब घर वाले मिलकर सुमन, धरा और गोम्बी सभी लोग मिलकर अब रावी को ये प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि शिवा की वो दूसरी शादी करवा रहे हैं। घर वालों को पता चल चुका है कि अब इनके तलाक की सुनवाई है और ये खबर सुनकर सब घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अब घर वाले ही शिवा और रावी को मिलाने के लिए एक धमाकेदार प्लान बनाएंगे और सुमन सबके सामने ही अब रावी को बार बार यही प्रिटेंड करी हो रही थी कि मैंने पंडित जी को बुलाया है, अब जल्दी से जल्दी शिवा की दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी ना, तू तो यहाँ से चली जाएगी। और यहाँ पर सभी लोग तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद रावी वापस लौट कर आ गई है तो शिवा और रावी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेगी और वो तलाक को रोक देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शिवा ना तो रावी को रोक पा रहा है और ना ही रावी अपने दिल के बात शिवा से कह पा रही है और दोनों के झगड़े की जड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है। और अब आ चुकी है कोर्ट की सुनवाई जहाँ पर अब घर वाले इन दोनों का तलाक रोकने के लिए और अब देखने को मिलने वाला है कि सभी ड्रामा करेंगे कि भाई वो शिवा की दूसरी शादी कर रहे हैं और बार बार उसके सामने कई चीज़ों का जिक्र होगा जैसे कि लड़की दिखाना और पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाना, सगाई की तारीख निकलवाना और सभी लोग तैयारियों में ऐसे जुट जाएंगे जैसे कि सच में ही शादी हो रही हो। और रावी अब शिवा को खोना नहीं चाहती और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन इस बात का एहसास करवाने के लिए घर वाले ड्रामा कर रहे हैं। तो वही शिवा भी शॉक्ड हो जाता है और वो घर वालों को रोकने की कोशिश करता है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले तो अब ज़बरदस्ती कर रहे हैं और सुमन उसे कसम भी दे देती है, झूठे ही कसम दे चाहे उसके सामने ड्रामा करती है कि तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं कुछ भी कर दूंगी। और इससे कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और शिवा भी अब यहाँ पर सब घर वालों की बातों में आ जाता है और ड्रामे में शामिल हो जाता है। तो वही रावी बहुत बुरी तरह से डर चुकी है कि कहीं सच में घर वाले कहीं सुमन का कि सच में तो शादी नहीं करवा देगी और उन्होंने ठाना है तो वो करवा भी सकती है और रावी अब खुद ही इस तलाक को रोकेगी। या दोस्तों रावी फाइनली कह देगी कि वो शिवा की पत्नी है और जब वो इसी घर में रहेगी चाहे कोई भी हो जाए लेकिन उसकी शादी तो वो दोबारा नहीं होने देगी। गुस्से में रावी सबके सामने कहेगी कि वो तलाक नहीं लेना चाहती और यहीं से शुरू होगी इन दोनों की एक नई कहानी।